25 खबरें रफ्तार के साथ। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और अमेरिका रूस की तरफ से परमाणु हमले की आशंका जाहिर कर चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक इंटरव्यू में इन सभी आशंकाओं को खारिज कर दिया है। यूक्रेन युद्ध में रूस को घेरने के लिए पश्चिमी देश राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ पर्सनल एक्शन ले रहे हैं। ट्रूडो सरकार ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को पत्नी और उनके समेत कई रूसी अरबपतियों पर प्रतिबंध का ऐलान किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को नेशनल अवेयरनेस एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट के कुछ हिस्सों को फिर से बहाल कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस कानून के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी थी। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से करीब 100 किलोमीटर दूर रामबुकाना कस्बे में पुलिस की गोलाबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 12 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को इस सप्ताह हाउस ऑफ कॉमन्स में महत्वपूर्ण मतदान का सामना करना पड़ेगा कि क्या पार्टी गेट मामले में संसद में दिए गए बयानों के लिए उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। हालांकि बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन के दौरान अवैध तरीके से पार्टी में शिरकत करने के लिए माफी मांग ली थी। आम आदमी पार्टी के खिलाफ टिप्पणियों के मामले में अब पंजाब पुलिस मशहूर कवि कुमार विश्वास के घर पहुंच गई है। विश्वास ने खुद घर पहुंची पुलिस की तस्वीरें पोस्ट की है। जागीरपुरी में हिंसा के बाद दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। निगम का बुलडोजर दस्ता पहुंचा है और आज कल एमसीडी अवैध निर्माण हटाने को ऑपरेशन चलाएगी। जागीरपुरी में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया, जहां फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि पथराव जैसी घटना दोबारा ना हो। पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना केसेस में हो रही बढ़ोतरी में चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में कोरोना से भर्ती मरीजों में से 27% बच्चे शामिल हैं। पीएम मोदी मई महीने में 3 देशों के दौरे पर जा सकते हैं। वह मई के पहले हफ्ते में जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर होंगे। इस साल की पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा होने जा रही है। ऐसे में इसके मायने काफी ज्यादा निकाले जा रहे हैं। शमशाबाद के करारिया थाना क्षेत्र में अनाज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, नदी में गिरी। हादसे में चालक को मामूली चोट आई है। खंडवा के माधानता थाना क्षेत्र में कक्षा 5वीं में पढ़ने वाली 4 छात्राओं की नहर में डूबने से मौत हो गई। सभी बच्चियां कोठी गांव के रतुम्भरा देवी आश्रम में रह रही थी। जबलपुर के रानी दुर्गावती महिला चिकित्सालय की ऑक्सीजन वाल्व के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसके चलते 30 नवजात बच्चों की जान पर संकट आ गया। जबलपुर के विभिन्न थानों में लंबित शिकायतों की अनदेखी से परेशान एक दिव्यांग कलेक्टर के पास पहुंचा, जहां जिला नाजिर और दिव्यांग के बीच वाद विवाद हो गया। डिंडोरी जिले के एक गांव को लड़की को रोजगार दिलाने के नाम से दिल्ली ले जाकर दलाल ने कोठी मालिक को बेच दिया। युवती ने वहां से भागकर दिल्ली पुलिस से सहायता मांगी। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली रवाना होने से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिंधिया अपने पुराने भाषण निकाल ले, मैं सिंधिया जैसे नेताओं का जवाब नहीं देता। बिलासपुर पुलिस ने पुलिस क्वार्टर के पीछे मिली युवक की लाश मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में मृतक विक्की तिवारी और दो दोस्त छोटेलाल यादव और वीर सिंह मरकाम ने ही हत्या की थी। गरियाबंद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 85 फीट लंबे तिरंगे लेकर शहर भ्रमण किया। शहर के गांधी मैदान में तिरंगा यात्रा शुरू होकर स्टेशन रोड होते हुए तिरंगा चौक पर खत्म हुआ। जांजगीर चांपा जिले में परिवहन विभाग की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को बेहतर प्रतिसाद नहीं मिल रहा। सिर्फ 60 वाहनों से ही बकाया टैक्स के 65 लाख रुपए की वसूली हो पाई है। भाटापारा नगर पालिका की लापरवाही के चलते तपती गर्मी में आम लोगों का पानी पाउच खरीद कर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है, जबकि नगर पालिका को पानी की व्यवस्था के लिए 25 से 30 लाख रुपए का फंड मिल चुका है। हुमा कुरैशी ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। तरला नाम का यह फिल्म मशहूर महिला कुक तरला दलाल की जिंदगी पर आधारित है। बोनी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक दोनों बच्चों की फोटो शेयर की है, जिनमें से भाई बहन अर्जुन कपूर और जानवी कपूर की बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। आतिया शेट्टी बहुत जल्द बॉयफ्रेंड के एल राहुल संग घर बसाने वाली है। इस साल खत्म होने से पहले वो शादी रचा लेंगे। फिल्म राम तेरी गंगा मैली फेम एक्ट्रेस और म्यूजिक वीडियो के जरिए कमबैक करने जा रहे हैं, जिसमें से उनके बेटे रब्बल ठाकुर भी नजर आएंगे। कियारा आडवाणी ने 2 फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें वो अमृतसर के गोल्डन टेंपल पहुंची हुई हैं।